नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत ही आपकी बेहतर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को कहीं खोसा बैठा है। वो ये सोचता है कि चलो अगर हमें कोई दर्द हो जाता है, हमें कोई रोग हो जाता है तो वो सिर्फ मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इतना बड़ा रोग हो चुका है कि अब उनको कह दिया गया है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपका जो भी रोग है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में दवाइयों का ढेर ही ढेर पड़ा हुआ है लेकिन आपको राहत नहीं है। आप लोग रोज दिन रात सुबह शाम सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयाँ खाते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, एक खासियत आप लोगों को बताना चाहूंगी इस कार्यक्रम से जुड़कर। आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं और इतने कीमती नुस्खे जिन्हें अपना के आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं। आपको कोई भी बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अति हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, सर्चर और हिंदुस्तान के सबसे कामयाब, काबिल और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद हकीम साहब। अगर बात करें हम हाथों और पैरों को लेके, कुछ महिलाएं हमने ऐसी देखी जिनके हाथ जो है वो अकड़ से जाते हैं, कोई काम उनसे नहीं होता है। ठंड के दिनों में देखा जाए तो वो ठीक से घर में झाड़ू पोछा हो या फिर बर्तन हो, ऐसा कोई भी काम वो नहीं कर पाती हैं। एकदम से या तो उनके हाथों में सूजन आ जाती है या फिर वो अकड़ जाते हैं। ये सब रोग क्यों होते हैं? देखिए, दो मर्ज ऐसे हैं, दो बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ये कैफियत होती है जो आप बता रही हैं जी। और उसकी पहचान के लिए यह है कि जिनके हाथों पर सूजन आती है या लाल लाल से हो जाते हैं और सुबह को उठते हैं तो ऐसे अकड़े हुए रहते हैं, फिर थोड़ा काम वाम में रहते हैं, कुछ खाया पिया और एक घंटे बाद वो थोड़ी सूजन उतरनी शुरू हो जाती है और मूवमेंट भी शुरू हो जाता है, वरना अकड़े हुए रहते हैं। तो अगर स्वेलिंग के साथ या वो जोड़ लाल से हो रहे हैं कुछ और अकड़ से गए हैं तो इसको कहेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने की अलामत है। ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जब भी ऐसा आदमी आराम करता है तो उसके जोड़ों पर जाकर एसिड बैठ जाता है और जो वो आदमी चलता फिरता रहता है, काम करता रहता है तो यूरिक एसिड खून के साथ घूमने लगता है हमारे जिस्म में, तो आसानी रहती है। ऐसा व्यक्ति आराम नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति जो जिसके सिर्फ हाथ अकड़ते हैं और उंगलियां टेढ़ी सी रहने लगती हैं और दर्द होता है, ये दोनों मर्ज हमारे हाथ की उंगलियों से या पैर की उंगलियों से शुरू होते हैं तो इसको कहेंगे गठिया। और गठिया में हर जोड़ इम्प्रेस होता है लेकिन उस पर सूजन नहीं होती, बल्कि एक अजीब सा पतलापन होता है और उंगलियां धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी होती चली जाती है, इसे गठिया कहेंगे। गठिया भी दुनिया का बड़ा रोग है जो जोड़ों के दर्द से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत सारे कॉलर हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं जिन्हें दर्द की शिकायत होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का दर्द हो। एक समय ये भी था जब लोगों को दर्द नहीं होता था, वो भाग दौड़ करके सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते थे, लेकिन अब तो उठने बैठने में तकलीफ हो जाती है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ हो जाती है, यानी कि हर किसी का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। तो ये दर्द की परेशानी आज के समय में इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे तो अब युवा वर्ग भी पीछे नहीं है। देखिए, एक तो आम दर्द होता है कि दर्द होने लगा तो कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स खाए और ठीक हो गया, ठीक है। एक ये कि कोई भी दर्द इत्तफाक से हो गया, आपके भी हो जाता होगा कभी ज़्यादा काम की वजह से, तो एक पेन किलर खा ली और ठीक हो गया और फिर नहीं हुआ, महीनों नहीं हुआ, ये आम दर्द कहलाते हैं। एक दर्द ऐसा जो रोज़ाना ही आपको तकलीफ देता है और रोज़ आप दवा खाते हैं और फिर ये होता है कि एक दिन में एक बार खा रहे थे, अब आपको एक दिन में दो तीन बार खानी पड़ रही है और फिर रोज़ खानी पड़ रही है और महीनों और सालों हो जाते हैं कि रोज़ दवा खाओ तो अच्छी ज़िंदगी जियो, नहीं तो फिर तकलीफ़ उठाओ। तो ये तकलीफ़
जब शुरू हो जाए कि आपको रोज़ एक से ज़्यादा बार दवा खानी पड़े, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी बड़े रोग में से प्रभावित हो गए। अब फिर आपको आपको यूनानी आयुर्वेदिक दवा लेनी चाहिए ताकि ये रोज़ाना की तकलीफ आपको चली जाए। और यूनानी में 2-4 महीने लगातार इलाज करने से किसी भी किस्म की तकलीफ का ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, हर एक तकलीफ का ठीक होना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना होगा। ये नहीं कि आपने कार्यक्रम में कॉल कर लिया, आपने उपचार जान लिए और आपने कोई भी नुस्खा नहीं अपनाया। देखिए, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, कीमती नुस्खे हकीम साहब से जानना चाहते हैं, तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा, जब आप लोग यूनानी से जुड़ते हैं, 4 से 5 महीने आपको देने होते हैं। सालों साल आपको कोई रोग जकड़ कर रखता है, 10 साल 15 साल 20 साल आपका एक रोग ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। और जैसे जैसे आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, वैसे ही आपको फॉलो करने हैं, परहेज जो बताए जाते हैं, सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि एक एक बात को जब आप फॉलो करेंगे, अच्छी तरीके से नुस्खे अपनाएंगे, तो यकीन मानिएगा आपका हर एक रोग जड़ से खत्म हो सकता है, दूर हो सकता है। तो फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप हकीम साहब यहाँ पे एक रॉ मटेरियल बताते हैं और बहुत सारी रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिसके लिए दर्शक भी जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें ये नहीं मिल पा रहा है, ये कहाँ से हमें मिलेगा। तो जो रॉ मटेरियल आप बताते हैं, क्या वो आपकी कंपनी से मिल सकता है? देखिए, जो रॉ मटेरियल कहीं ना मिले वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अपने बागात हैं, इनकी खेतियां हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इतना तो नहीं कर पाएंगे कि पूरे भारत को दे सके, लेकिन जब भी आप फ़ोन करते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, तो हम आपका नंबर लगा देते हैं। उस नंबर पे आते आते आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, तो थोड़ा शिकायत भी हो सकती है आपको, लेकिन आप इससे बच जाएंगे कि आपको दवा नकली पहुँच गई। तो नकली हम नहीं करते, नकली की तो मार्केट भरी पड़ी है, आप कुछ भी ले लीजिए सब मिलता है और सस्ता मिलता है, लेकिन आपका रोग जो ठीक होगा वो असली दवा से होगा। और दवा के मामले में हम नकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा मामला है और अपनी माँ बहन बेटी बीवी के ताल्लुक से, तो नकली दवा तो कितनी भी सस्ती मिले नहीं लेनी चाहिए। और वो गोंद, एक मैं अक्सर बताता हूँ, सही कहा आपने कि गोंद सियाह नाम से एक गोंद आता है, जो काला गोंद भी कहलाता है। ये आबनूस का पेड़ होता है, जो जिसकी लकड़ी काली होती है, उसका गोंद भी काला निकलता है। कभी इसकी बांसुरी बनाई जाती थी, काली काली आपने देखी हो तो कभी, पहले ये प्लास्टिक और दूसरे इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते थे, एक कुदरती बांस होता था, उसकी बांसुरी बनाई जाती थी, तो ये उसका गोंद है। मिलता मुश्किल से, नकली भी मिलता है, लेकिन मैंने इससे बेहतर जोड़ों से ताल्लुक़ रखने वाली दवा आज तक नहीं देखी। बिल्कुल दर्शकों, तो देखिए बातें वही आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो बीमारी हो गई है उसके पीछे के कारण क्या है, कैसे आप लोग घरेलू नुस्खे अपना के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एक निरोगी काया आप लोग पा सकते हैं। फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। लगातार हम अपने प्रोग्राम में हकीम साहब बात कर रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर, जितने भी हमारे एपिसोड्स अभी तक हुए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है फिर से ये जानना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तो कम होने के कारण क्या होते हैं और क्या हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के किसी भी रोग से निजात पा सकते हैं। हाँ शैलजा, हम ही क्या, पूरी दुनिया तो इस वक्त इसी के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल, और हम तो बहुत पहले से करते हैं, 20 साल से करते हैं, अब इसकी जरूरत पूरी दुनिया को पड़ गई। बिल्कुल, अच्छा वही शक्ति जो इम्यूनिटी कहलाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इससे ही हमारी बीमारी का इलाज होता है। हमारे अंदर अगर ये शक्ति होती है, बीमारी से लड़ने वाली शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं, तो
जो कीटाणु हैं, जरासीम हैं, ये तो हम पर हर वक्त हमला करते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, आप जहाँ मौजूद हैं, जो लोग देख रहे हैं वहाँ सब में, हवाओं में कीटाणु, आपके बिस्तर पर कीटाणु, ये रहते ही है। आप कितना ही मान लीजिए, आप हाथ धोकर भी अगर उससे खुद भी इनसे अपने हाथ देखेंगे कभी, तो ऐसा लगेगा कि कीटाणु ही कीटाणु हैं। तो ये हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं, जैसे अच्छे और बुरे आदमी होते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे कीटाणु होते हैं। कुछ कीटाणु बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारे अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एक अच्छे कीटाणुओं का नाम है। तो आप इसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप अपनी बीमारी से सही मुकाबला नहीं कर सकते। दवा इन्हीं को उत्साहित करती है कि ये बीमारी से लड़े और तब आप ठीक हो पाते हैं। नेक्स्ट कॉलर है हैदराबाद से त्रिलोक, हमारे साथ स्वागत है त्रिलोक जी आपका। नमस्कार हलीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका काला नमक काला गोंद यूज किया। अच्छा। संस्थान से मंगा के, बहुत ही अच्छा फायदा, बहुत ज्यादा भी फायदे हुए। दर्द के अलावा मेरे को टेस्टोन वगैरह में भी बहुत फायदा हुआ, तो एक तो वो है। और मेरा क्वेश्चन साहब हलीम साहब ये था कि एक तो मेरे बेटे को थोड़ा ऑटो इम्यून जो थायराइड होता है ना, हस्मितो, वो हो गया था। हम लोग इंग्लैंड वगैरह गए थे तो, और उसके बाद उसके थोड़े आईब्रो के बाल वगैरह जैसे, तो एलोपेशिया भी जो होता है ना वो हुआ था। तो अभी तो पूरा रिकवर हुआ, आपका सलाह माना, हमने धनिया वनिया दिया। लेकिन जो थायराइड को पूरा ही गोली बंद हो सकती है क्या ऑटो इम्यून थायराइड की, वो पूछना था। तो वही पूछ, बिल्कुल हो सकती है। एलोपेशिया भी उसके मुच्छों पे है थोड़ा सा, अभी भी एक साइड की मुच्छों पे एलोपेशिया, मुच्छे पूरी नहीं आई थी, 22 साल का हो गया अभी। देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने गोंद सिया इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया और फिर हमें फीडबैक दिया। इस बात से हमारे अंदर ताकत आ जाती है, तवानाई आ जाती है, जब एक पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं और एक कम पढ़े लिखे इंसान की जगह पढ़े लिखे इंसान का लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और हमें भी एक बड़ा लिखा आदमी और ऊपर वाले को भी एक कम पढ़े लिखे आदमी से एक पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा पसंद है, एक कमज़ोर आदमी से एक ताकतवर पसंद है। तो देखिए ये आपको जो फ़ायदा हुआ ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने अपने यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपको नुस्खा बताया, आपने वो इस्तेमाल किया। गोंद सिया काला गोंद को कहते हैं, सबको पता होना चाहिए, इंतहाई कड़वा होता है और फ़ायदे में इसका सानी मैंने नहीं देखा अभी तक। तो ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि आपने फ़ायदा होने के बाद भी फ़ोन किया। हालांकि फ़ायदा होने के बाद सब हमें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में और हिंदुस्तान में कि वो याद रखते हैं। अच्छा, बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है अगर उसी विश्वास से आप दवा दें। देखिए धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आप लिख रहे होंगे मुझे यकीन है। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद, मोरिंगा भी एक गोंद आता है जिसे मोरिंगा का गोंद कहते हैं या सहजन का गोंद, ये भी मुश्किल से मिलता है, और इसको भी आप असली ही लेना, असली होगा तो फ़ायदा करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि 100 ग्राम ये मिला लें और इसका पाउडर घर में बनाए जैसे आपने इसका बनाया था दूसरे नुस्खे का, और 3 ग्राम के करीब, एक छोटा चाय का चम्मच होता है ना, इसका पाउडर बच्चे को खिलाना शुरू कीजिए एक टाइम, और एक महीना एक ही टाइम खिलाइए। अगर ऐसा लगे कि कम फ़ायदा है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, आपके बच्चे का भी ठीक होना मुमकिन है। और बहुत शुक्रिया आपने फीडबैक दिया जी। तो चलिए इसे 5-6 महीने आपको देने हैं, फिर देखिएगा जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन आपको जो घरेलू नुस्खे बताए जा रहे हैं वही आपको अपनाने हैं। कोई भी बात सुनने से दर्शकों अगर आप लोग चूक जाते हैं तो लगातार हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई रिपोर्ट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्हीं नंबर्स पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज जी पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब, सूरज बात कर रहा हूँ पंजाब से। मेरे ना गले में तकलीफ है काफी टाइम से, गले में ना टॉन्सिल जैसा रहता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं टॉन्सिल है नहीं, लेकिन तकलीफ टॉन्सिल जैसी होती है जी। पेट खराब रहता है, छाले रहते हैं पूरे मुंह में, खांसी जुकाम नजला रहता है, बलगम रहता है,
दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बहुत सारी, और उससे ना गला छिल जाता है दवाई खा खा कर, शरीर में भी ऐसा लगता है कि यह पता नहीं क्या है। उम्र और बता दीजिए अपनी। ये 45 साल उम्र है। उम्र बताना बहुत ज़रूरी है और सही उम्र बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने इशारा कर दिया तो काफ़ी हो गया कि आप नज़ले खांसी के मरीज़ हैं, और ऐसे मरीज़ जिनको भी सर्दी नज़ला खांसी है वो इस वक्त बहुत ख़तरे में है, उन्हें अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें, सैनिटाइज़र भी करें और गरम गरम खाएं। एक तो 5 बार आप गरम पानी पिया करें रोज़ाना, और ऐसा गरम पानी जो चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पिए, इतना गरम हो, एक साथ पी ना सकें। और ये देखिए 5-6 महीने यूनानी इलाज करना होगा आपको, और यूनानी इलाज में घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ, और क्योंकि बहुत दिन से है आपको इसलिए मैं दवा भी बता देता हूँ। देखिए, लिसोड़ा अलसी उन्नाव 100-100 ग्राम लें, और 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पीपले मिलाकर इसको पाउडर बनाएं घर में ही, कुछ भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लानी है आपको, और इस पाउडर को 2-3 ग्राम सुबह 2-3 ग्राम शाम गर्म पानी से खाएं, और 5 बार गर्म पानी पिएं। बाहर की कोई भी चीज़ खाना छोड़ देंगे तो जल्दी ठीक होंगे, और खट्टी चीज़ें तो आप पर बिल्कुल पाबंदी है, जब से भी इलाज शुरू करें वैसे भी आपको नहीं लेनी चाहिए खट्टी चीज़ें, और बाकायदा कोई दवा लेना चाहते हैं तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं दर्शकों, आप लोग इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक परेशानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी आपके साथ क्यों ना चल रही हो, आपको लगता है कि अब हमें इस रोग का समाधान करना ही करना है, फोन उठाए नंबर पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ संजय जी बिहार से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ बिहार से बात कर रहा हूँ धनंजय जी, बोलिए। अकिन साहब से बात करना है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। मतलब एकदम बिल्कुल बहुत कमजोरी फील होता है। आपको कुछ वीकनेस, अंदरूनी वीकनेस है क्या? हाँ, मतदान ताकत के लिए। ठीक है, कुछ गलतियाँ इंसानों से होती हैं उस उम्र में जब वो 15-16 साल के होते हैं, और वो गलतियाँ अब आप ना करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर आप दवा खाएंगे फिर गलती करेंगे, और दवा खाएंगे फिर गलती करेंगे, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम हस्तमैथुन वगैरह कर लेते हैं और बुरी संगत में रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत कमी आ जाती है, और हम फिर शादी से भी घबराने लगते हैं। माँ बाप शादी को कहते हैं और हम कहते हैं अभी नहीं करना चाह रहे। जवानी ऐसी चीज़ है कि जिस्म को फाड़ के निकलती है, और यंग लड़का शादी को मना कर रहा है यानी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं। तो देखिए, घरेलू नुस्खा ही बताता हूँ और आपको दवा भी बता देता हूँ। घरेलू नुस्खा है कि आप अश्वगंधा लें 150 ग्राम, अलसी 150 ग्राम, और कॉर्न मोरिंगा 150 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाएं, और आपको खाना है 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम। सुबह निहारमू ले लें तो बहुत अच्छा है, रात को सोते वक्त ले लें तो बहुत अच्छा है। इसको आप लगातार खाएं और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होगा, लेकिन दोबारा ये सब मत करना जो जिसकी वजह से ये होता है। संगत अपनी बदल लीजिए, और दवा के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो कैप्सूल रुकावट ले सकते हैं, रुकावट कैप्सूल भी इसी पर्पस में काम आता है। जी, नेक्स्ट कॉलर है कमल सिंह यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम जी। जी नमस्कार जी यादव जी। हकीम जी, मुझे पूछना था कि मेरे एडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मेरे 2 साल पहले मूंछ आ गई थी, तो उसके बाद से मैंने बहुत इलाज भी कराया, लेकिन अब जाके मुझे परेशानी हो रही है, चलने में भी दिक्कत होती है, मैं ड्राइव वगैरह करता हूँ तो उसमें भी दिक्कत होती है मुझको। एज बता दीजिए अपनी। मेरी 25 साल उम्र है। देखिए, बहुत कम उम्र बच्चे को भी दर्द होने लगा है, और घबराइए नहीं,
बहुत दवाएं आपने कर ली होंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर वो आप कुछ दिन ले लें तो आपका ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। गौंद स्याह कहते हैं, यानी काला, काला गौंद नाम से एक रॉ मटेरियल आता है जो मुश्किल से भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, और महंगा भी नहीं है, 10-12 रुपए रोज़ की खुराक पड़ेगी आपको, लेकिन नकली भी मिलता है। तो असली गौंद लें, गौंद स्याह, और आपको या आपके परिवार में कहीं भी किसी के जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या कहीं भी दर्द है, तो आप आधा आधा ग्राम ही खाना है, इससे ज़्यादा खुराक नहीं खा सकते, बहुत तेज़ होता है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो कुछ ही दिनों में आपको फायदा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ये नुस्खे अपनाने होंगे। दर्शकों, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, हेल्पलाइन नंबर दर्शकों नोट डाउन कर लीजिए, 24 आवर्स आप लोग कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। बताइए, सवाल कीजिए। मेरे को है ना पाइल्स है, मेरे लैट्रिन में ब्लड जाता है ज्यादा। जी जी। अच्छा, पुराना मर्ज है या नया है? जी, पुराना है। ठीक है अनिल भाई, देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, और मैंने जिसको भी बताया उसको ऊपर वाले ने फायदा दिया, आप भी वो समझ लें क्या है। पाइल्स वाले को हमारे पेट का सिस्टम ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हजम होता है तो वो छोड़ दें। किसी किसी को चना बड़ी मुश्किल से हजम होता है, किसी किसी को बेकरी आइटम परेशान करता है, आप गौर करना इनमें से कोई चीज़ आपको परेशान करती है, कुछ दिन के लिए छोड़ दें। और धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, और इसमें मिलाइए कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी भी कहते हैं इसे, कलौंजी का नमक इसमें 100 ग्राम मिला दीजिए। घर में पाउडर बनाना है, पिसा पिसा है नहीं लाना, और ऐसे 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम, खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप ये शुरू करेंगे तो ये इतना तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है कि जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा शुरू हो जाएगा, और ये जितना रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, जब आप ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और इसका सेवन करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे हकीम साहब ने आपको स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जैसे जैसे आपका रॉ मटेरियल ख़त्म होगा वैसे वैसे आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी और फिर आपको कोई भी तकलीफ छू तक नहीं पाएगी। दर्शकों, तो अभी आपसे कहा जाता है घरेलू नुस्खे अपनाइए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं है, कोई दवाइयाँ छोड़ने की बात आपसे नहीं कही जा रही है। अगर किसी मर्ज को लेके, किसी रोग को लेके आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, वो दवाई अपनी कंटिन्यू रखिए, घरेलू नुस्खे उसके साथ साथ अपना लीजिए, और दवाइयाँ आपकी खुद धीरे धीरे छूटने लगेंगी, क्योंकि आपको लाभ इतना होगा, इतने सेहतमंद आप लोग हो जाएंगे, फिर आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। हकीम साहब, एक बात बहुत सारे दर्शकों के मन में रहती है कि अगर हम गर्म दवाइयों का सेवन करते हैं या फिर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो हमें रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए व्यक्ति क्या है यूनानी की तरफ नहीं जाता है, घरेलू नुस्खों की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा इलाज होता है, तो उन दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो देखिए, सिर्फ यूनानी और आयुर्वेद ऐसी चीज, ऐसी दवा है जो इंसान का और दवाओं का मिजाज समझते हैं। बिल्कुल। आप कि किचन में भी सब जो कुछ मटेरियल है वो ठंडा है या गर्म है या बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, बिल्कुल ऐसी इंसानों के भी मिजाज है, ठंडा दरमियानी यानी बीच का या बहुत गर्म। अगर हम ये देखें कि हम जैसे ही दवाइयों के मिजाज से इंसान के मिजाज को मिलाकर कोई डोज देते हैं तो वो बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। अच्छा, एलोपैथ मिजाज नहीं समझता, एलोपैथ तो बस ये समझता है बुखार आपको है तो ये पैरासीटामोल आप पर काम करेगी और वही मेरे पे काम करेगी।
अगर एलोपैथ मिजाज समझने लगे तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है, यूनानी से भी ज़्यादा कामयाब हो सकता है। फिर हर किसी की दवा की और हर किसी इंसान की क्या कहते हैं प्रवृत्ति अलग होती है। यूनानी इसको समझता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना तरीका इलाज है, और एलोपैथ में जो दवा आपके लिए है वही आपके रिश्तेदार के लिए, वही मेरे लिए, वही दूसरे के लिए। तो मिजाज से अगर हम मिला लेंगे किसी दवा को तो हमें बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आप लोगों को ये समझना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप लोग जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, क्या आपका रोग उससे ठीक हो पा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रोग ठीक हो जाता है तो आप दवाइयों को कंटिन्यू अपना रखिए, लेकिन कुछ क्या बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सिर्फ दवाइयाँ दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि घरेलू नुस्खे अपनाने कितने ज़रूरी हैं, यूनानी से जुड़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है और फिर आपको कोई रोग नहीं होता है। ये बात समझनी होगी आपको। फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसके फाउंडर, रिसर्चर, प्रमोटर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जो लगातार आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोग कीमती नुस्खे अपना के हर एक रोग को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया पा सकते हैं, फिट और फाइन हो सकते हैं। बस आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, दर्श को बार बार आप लोगों से कहना चाहूंगी तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, अगर बात करें हम बालों के झड़ने को लेकर, पहले तो एक उम्र होती थी कि बाल हमारे झड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी अब इनसे नहीं बचा है। तो ये कौन सी कमी हमारे शरीर में है जिसकी वजह से एक तो हमारे बाल इतने झड़ते हैं, गंजेपन का लोग शिकार हो रहे हैं, और वो घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं जिन्हें अपना के वो अपने अच्छे सुंदर घने बाल कर सकें। हाँ, देखिए बच्चियों को, महिलाओं को तो बहुत प्रॉब्लम है, और आजकल तो मेल फीमेल दोनों बालों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। बाल होना से आदमी अच्छा भी लगता है। देखिए मेरे भी अगर बाल नहीं हो तो मैं भी बहुत बुरा लगूंगा, और मुझसे कोई नुस्खा भी नहीं पूछेगा बालों का अगर बाल नहीं हो तो। बड़ा एहसान ऊपर वाले का कि उसने अभी तक बाल दिए हैं और आपको भी अच्छे बाल दिए। बाल ना होने के या कम होने के या टूटने के जो वजह है वो ये हो सकती है कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो, ये भी हो सकती है कि उसको कोई पुराना नज़ला हो, उससे भी बाल रुक सकते हैं, या बालों की जो डाइट है वो इंसान ले नहीं पाता हो, उसके जो खान पान है उसमें बालों की डाइट नहीं होती हो, तो ये देखना होगा कि बाल क्यों नहीं होते। आम तौर पर अगर किसी को बालों की प्रॉब्लम है तो नारियल पानी पीने से भी आदमी के बाल अच्छे हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमेश है मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सवाल कीजिए। अकेले से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। अकेले से आधार से। आधार बस क्या स्टेशन से फोन कर रहे हैं? मेरे फादर के बारे में पूछना था। हाँ, आप क्या स्टेशन से फोन कर रहे हैं? बॉम्बे के स्टेशन की आवाज आ रही, बॉम्बे में रहा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, वहाँ उनके जोड़ा दर्द रहता है ज्यादा, और वजन भी बहुत ज्यादा है उनका। ठीक है, तो देखिए जो लोग बहुत ज्यादा वजनी है उनके वज़न कम करने से भी दर्द कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो दर्द कम करने के लिए अपने डैडी को कहिए कि जितनी उनकी खुराक है, एक वक्त में चार रोटी खाते हैं तो दो कर दें, और इतनी ही रोटी खाएं इस उम्र में, इतनी ही रोटी ठीक है, और पानी अपना पीना बढ़ा दें, पानी को खूब पिए और गर्म पानी पिए, 5 बार 6 बार 10 बार गर्म पानी, ऐसा गर्म के चुस्कियाँ लेकर पिए। और अपनी मम्मी को कहिए कि खाने में ज़ीरा खूब सारा डाला करें, और अदरक भी इतनी सारी डालें, इतनी सी डालते हैं अक्सर, और लहसुन भी इतना सारा डालें, और आपने ऐसा खाना बनेगा तो चर्बी ये पेट में रुकने नहीं देता, चर्बी सब बाहर चली जाती है। और दवाएं भी हैं बहुत सारी, ये करके देख लें पहले, नहीं तो दवाएं भी हैं बहुत अच्छी अच्छी। और अपने वालिद को कहिए 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें धूप में। आजकल वैसे हर शख्स को 1 घंटा धूप में चलना चाहिए, क्योंकि ये
वायरस चल रहा है, धूप इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आप भी चला करें, अपने सारे परिवार को धूप में चलने के लिए कहें, कम से कम एक घंटा तो उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है कमलनाथ हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है कमलनाथ जी आपका। नमस्कार अखिल साहब जी। आदाब। मैं पूछना चाह रहा था, मेरे ना बदहजमी रहती है, पेट का ना पूरा निजाम खराब रहता है। ठीक है, उन्होंने बताया नीला रहता है, लीवर बताया, किडनी की बताई है, तनी क्या क्या है, मतलब खाना पचता नहीं है। ठीक है, एज बता दीजिए। और ये एज जी 42 साल। हाँ देखिए, जब एक बार पेट का प्रॉब्लम हुआ तो समझ लीजिए लीवर मुतासिर जरूर होगा, लीवर में इफेक्ट जरूर आएगा, किडनी में इफेक्ट जरूर आएगा, और एसिडिटी जरूर होगी, खाना जरूर नहीं पचेगा, पाइल्स भी हो सकती है, और पूरा शरीर उससे मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है। तो मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि आपके सब पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उन सबको दुरुस्त करते हुए आपका पेट ठीक करें और आपका हाजमा ठीक करें। और देखिए, धनिया सौंफ जीरा ये 200-200 ग्राम लीजिए। धनिया सौंफ जीरा और आंवला सबको 200-200 ग्राम लीजिए, यानी 800 ग्राम हो गए। और 100 ग्राम इसमें आप मिलाइए कलौंजी का नमक, ये नमक कलौंजी कहलाता है, या एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं इसको वैज्ञानिक की जबान में, उसका एस्टेक निकाल लेते हैं कलौंजी का, 100 ग्राम मिलाकर, और इसको घर में पाउडर बनाएं, बाहर से पिसा पिसाया नहीं लाएं, और एक चम्मच यानी 2-3 ग्राम 4 ग्राम तक सुबह, एक चम्मच शाम खाएंगे, तो खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है नेगी जी उत्तराखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार, बिल्कुल जी जी जी, बताइए। नमस्कार जी, आदाब। मुझे ना जब मौसम चेंज होता था, हर कभी सर्दी जुकाम बहुत हो जाता है जी। एज कितनी है नेगी साहब? 40 साल। हाँ देखिए, ये उम्र और ये मर्ज और ये माहौल जो हमारे हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का चल रहा है, इसमें आप खूब होशियार रहें। जहाँ भी आप रहें तो गर्म पानी पिए, जब भी मिले गर्म पानी के आसानी तो गर्म पानी पिया करें, और मौसम बदलने पर बहुत ज़्यादा होशियार रहें। उससे अगर ये बहुत पुरानी बीमारी तो मैं दवा बता देता हूँ, अगर अभी अभी की है तो फिर तो आप कोई भी इलाज ले सकते हैं। देखिए, अगर ये आपको सालों से बीमारी है तो फिर आपको 5-6 महीना यूनानी में जाना होगा, और यूनानी में जो आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वैसे तो बहुत दवाएं, लेकिन एक नुस्खा बहुत कामयाब है जिसे माजून आर केयर कहते हैं। माजून आर केयर, एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से, एक चम्मच शाम को, अगर आप 5-6 महीने लगातार खाएँ तो ये मर्ज आपके जो रोग है उसकी जड़ पे काम करता है, और फिर आप एक आम आदमी जैसी इम्यूनिटी पाएंगे और आप बीमारी से अपनी खुद लड़ सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है पूजा जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। हकीम साहब से मुझे एक सवाल पूछना था। बोलिए जी। जी फरमाइए जी। असल में मुझे ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब टेंशन से रहती है, और मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है जी। उम्र बता दीजिए अपनी। 27 साल। बताइए साहब, 27 साल में डिप्रेशन और पेट की तकलीफ। देखिए, ये डिप्रेशन जो हकीमों की नज़र में क्यों होता है, हमारे जो पेट का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं होता। ये तो अच्छा कि आपने पेट की तकलीफ बता दी। जब हमारे पेट में मल 24 घंटे से ज़्यादा रुकने लगता है और एसिड कम या ज़्यादा होने लगते हैं, तो हमारी आंतें इस मल की जो गंदगी है और एसिड है वो एब्जॉर्ब करके दिमाग को सप्लाई कर देते हैं, जिससे दिमाग में एक केमिकल पैदा होता है और वो हमें डिप्रेस करता है। आपने इसकी
पूरी तफसील मैंने इसलिए बताई कि आप समझ जाएं, सबको पता होना चाहिए हम डिप्रेस क्यों होते हैं। कोई तकलीफ, कोई गम, कोई बहुत ज़्यादा खुशी, ये सब भी हमें डिप्रेस करते हैं। अगर फेल होने का डर हो, किसी चीज़ को चाहते हो वो ना मिलती हो, उससे भी डिप्रेस होते हैं, लेकिन वजह ये होती है। तो पेट के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा अभी बताया था, फिर बताता हूँ। पेट के लिए और पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, जो भी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये बड़ा कामयाब नुस्खा मैंने अपने तजर्बे में पाया कि आंवला, सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला, सौंफ, धनिया, मेथी 200-200 ग्राम लीजिए, और रॉ मटेरियल लेना है और घर में पाउडर बनाएं, और 100 ग्राम लीजिए कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, इनको सबको घर में पाउडर बनाकर 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम आप खाइए, और आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने शुरू किया आपका मर्ज आपसे रुखसत होने लगा और इजाबत ठीक होने लगी, यानी लैट्रिन ठीक होने लगी और एसिड बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक आ गए, तो आपका डिप्रेशन भी ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं नोएडा से, अरविंद हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, ये हकीम साहब जी? जी जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, अरविंद बात कर रहा हूँ मैं नोएडा से। जी एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपके शोज वगैरह देखती हैं जी। और एक्चुअली मुझे तकलीफ है मेरी आंखों में ना, क्या कहते हैं, काफी पहले से 6th क्लास से ही मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं और रोशनी मेरी कम है आंखों की, बिना उसके मुझे दिखता नहीं है चश्मे के, तो उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा या कुछ? एज बता दीजिए बेटा। एज है मेरी क्या कहते हैं 30 साल। ठीक, तो देखिए आप एक नुस्खा करें और घर में करना पड़ेगा रोजाना, गाजर जब तक चले आप 1 गिलास गाजर का जूस पीना है आपको, और एक रॉ मटेरियल आता है गौन, मोरिंगा, मोरिंगा का गौन 0.5 ग्राम इस गाजर के जूस में मिलाकर रोज़ाना पिया करें, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है नेहा चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है नेहा जी आपका। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो जी, मैम मैं नेहा बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए, सवाल कीजिए। जी मेरी मम्मा को बेली फैट की थोड़ी प्रॉब्लम है। जी जी पूरी बात बताइए। जी मतलब उनको फैट की प्रॉब्लम है और उनके जॉइंट्स में भी पेन रहता है जी। 5 साल से है उनको परेशानी। एज बता दीजिए बेटा। जी मम्मा की एज है 42। हाँ देखिए, मैं बारह कहता हूँ कि ये 40 या 40+ उम्र है, यहाँ से हमें बीमारियाँ को दावत मिलती है, हमारा जिस्म और हम कमज़ोर होने लगते हैं, यहाँ से हमें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ फैट कम करने से भी उनका जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है, और फैट कम करने के लिए दवाइयाँ भी हैं, नुस्खे भी हैं। सबसे पहले तो इरादा होना चाहिए मरीज़ का, अगर आपकी मम्मी का इरादा है कि फैट कम कर लें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो जितना खाना खाते हैं उससे आधा कर दीजिए, जैसे 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खानी है रोज़ाना, और एनिमल फैट से परहेज करें। एनिमल फैट देखिए गोश्त में होता है, दूध में होता है, मक्खन में होता है और देसी घी में होता है, ये आपको एनिमल फैट नहीं खाना, इन सब में एक ही सा फैट होता है। और आपको वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें, और अपने खाने में काफ़ी सारा जीरा का, इतना सारा लहसुन और इतनी सारी अदरक डाला करें, तो और फैट नहीं बढ़ेगा, जो भी फैट होगा वो उतना ही रहेगा। अब इसे कम करने के लिए आपको 5 गिलास पानी गर्म पीना पड़ेगा रोज़ाना, और 1 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। और कम करने के लिए आप ले सकते हैं 300 ग्राम जीरा 100 ग्राम आंवला, और 100 ग्राम आपको लेना है मेथी, और 100 ग्राम लेना है कलौंजी का नमक। इन सबको घर में पाउडर बनाएं और 3-4 ग्राम रोज़ाना खाली पेट और रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ लें,
एक घंटा पैदल भी चले तो उनको फायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ प्रिया पुणे से। स्वागत है प्रिया जी आपका। हेलो जी, प्रिया बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए जी। जी हकीम साहब जी से मुझे पूछना था कि मुझे ना सर्वाइकल की दिक्कत है और इस सर्वाइकल के अंदर मुझे चक्कर आते हैं और बीपी लो हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बिकॉज मैं बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मुझे नहीं आराम आता किसी और दवाई से। जी ना अपनी एज बार बता दीजिए। मेरी एज है 23। हाँ देखिए, इस उम्र वाले को भी सर्वाइकल पकड़ने लगा क्योंकि हमारी कुछ आदतें खराब होती जा रही हैं। हम बस लगे रहते हैं फ़ोन में कंप्यूटर में, तो हमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बड़ी ख़तरनाक है और सर्वाइकल का इलाज तो बग़ैर दवा के ही हो सकता है। और देखिए सर्वाइकल की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। चक्कर वालों के लिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है कि जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे आप बैठे हैं किसी चेयर पर और कोई आपके यहाँ से पकड़ के और ऐसे ऊपर को उठाए, चाहे उठा नहीं पाए लेकिन ऐसे ऊपर को उठाता रहे बार 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 बार। ये एक्सरसाइज आपको जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कराइए। उठा नहीं सकते तो फिर ऐसे ऐसे सीधा बेड पर लिटा दें आपको, और सीधा लेट रहे और बेड पर ऐसे आपकी मुंडी पकड़ के कोई ऐसे खींचे, बार बार खींचे। तो अगर ये आप दिन में 8-10 बार कराएं तो आपका सर्वाइकल 10 दिन में अपनी जगह पर आ जाएगा और उसे आपको छोड़ देगा। लेकिन फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करते रहें और एक्सरसाइज फिर जो करनी है वो ये करनी है, ऐसे 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 आप करते रहें दिन भर जितना भी आपकी हिम्मत हो, और ऐसे 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 2-4 मिनट ये किया करें तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, मगर दवा के भी आपको फायदा मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैम मैं आगरा से बात कर रही हूँ। हकीम साहब जी से बात हो सकती है? हाँ जी 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 मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि है, मैं आगरा से बात कर रही हूँ। जी सर, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, उनको आपसे बात करनी थी। उनको परेशानी है, वजन बढ़ा हुआ है उनका, वजन कम करना है, सर्वाइकल की परेशानी है उन्हें, ठीक है, उनका वजन कम करना है, बीपी की भी दिक्कत है, उन्हें शुगर की है सर, कोई इलाज बता दीजिए आप। अरे अंजलि इतनी सारी बीमारियां हैं तो एक एक करके कर लीजिए। सबसे पहले सर्वाइकल का इलाज करिए, सर्वाइकल ठीक हो जाए तो फिर आप दर्द का इलाज करिए, फिर थायराइड का इलाज करिए। बहुत सारी दवाएं तो मैं बताऊंगा अभी तो आप लिख नहीं पाएंगे, या फिर अपनी पूरी तफसील आप पूरी सारांश में हमारे डॉक्टर से बात करें, या तो आप हमें डॉक्टर पर, जो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और इसमें जो नंबर आ रहा है हेल्पलाइन नंबर, उस पर कांटेक्ट करके पूरी तफसील लिखवाइए, और फिर लेडी डॉक्टर से चाहें तो उससे भी बात कर सकते हैं। हमारे पास लेडी और जेंट्स दोनों डॉक्टर होते हैं, तो सारी पूरी आप उनको उनके बारे में मालूमात दीजिए और एक एक करके सब इलाज आपके मुमकिन है। अभी भी मैं कुछ बताऊँगा तो आप भी भूल जाएंगी, और एक एक्सरसाइज बता देता हूँ सर्वाइकल की। देखिए सर्वाइकल इस एक्सरसाइज से आपका पीछा छोड़ देता है, लेकिन ये एक्सरसाइज 4 मिनट रोज़ाना करनी है, किस्तों में करें, इंस्टॉलमेंट में करें, और एक ये ऐसे ऐसे ये भी 4 मिनट करनी है, पूरे दिन में 4 मिनट ये 4 मिनट ये। तो सबसे पहले बगैर दवा का इलाज के उनको सर्वाइकल छोड़ दे, फिर आप शेयर करती रहिए उनकी तकलीफ, हमसे बात ना हो सके तो हमारे डॉक्टर आपकी मदद को बैठे हुए हैं। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि आपने सर्वाइकल को लेके ये एक्सरसाइज दर्शकों को बताई है, तो अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही नहीं है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है? हाँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है एक्सरसाइज करने में। इस एक्सरसाइज से हमारे डिस्क अपनी जगह पर आ जाते हैं जी। तो फिजियोथेरेपी से आजकल तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और वो 500,000 रुपए भी लेते हैं एक बार एक घंटे में। जी जी। अब हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत है, गरीबी बहुत है, अब गरीब आदमी तो 500,000 रुपए दे नहीं सकता है, तो मेरा काम होता है कि या तो उनको एक्सरसाइज सिखा दूं या कोई घरेलू नुस्खा बता दूं। अब अगर
30 दिन भी उन्होंने एक्सरसाइज कराई तो 30,000 रुपए ले लेते हैं जी। अब वो घर में सीख गए, 30,000 रुपए बचे जी। तो मैं गरीबों से जुड़ा हुआ बहुत हूँ, तो मैं घरेलू नुस्खे बता दिए, जो 10-12 रुपए रोज का इलाज हुआ तो 10-12 रोज तो डॉक्टर भी नहीं लेता जी। वो भी 50 रुपए लेता है एक दिन की फीस। तो इसलिए मैं ऐसा सस्ता वाला इलाज बताता हूँ। महंगे भी इलाज है, रईसों के लिए भी इलाज है, गरीबों के लिए भी, लेकिन मैं करोड़ों गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ तो सस्ता इलाज बताता हूँ। चलिए इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। मंगल जी हैं कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं जी, जी फरमाइए। मंगल आदाबाद। मंगल सिंह जी आदाबाद, आपके मूछे हैं क्या बड़ी बड़ी? एक पूरे शरीर है ना गर्मी रहता है, दाने दाने पूरे उसमें, और खुजली मचता है, लाल हो जाता है, खून खून झलक जाता है। वो उम्र भी बता दीजिए और कब से है? 51 साल उम्र है, 6-7 साल से धीरे धीरे वो अब बढ़ गया है। ठीक है अच्छा, देखिए आपके खून में बहुत ज्यादा गर्मी है और खून की गर्मी कभी नुकसान भी देती है, तो आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा अच्छा है, और वो है आंवला सौंफ धनिया 200 ग्राम लीजिए, और इसमें नमक कलौंजी ज़रा मुश्किल से मिलेगा, परेशानी हो तो हमें बताना, कोशिश करेंगे कि हम प्रोवाइड करा दें। 100 ग्राम नमक कलौंजी, यानी कलौंजी का नमक कहलाता है, मिला लीजिए। घर में पाउडर बनाना है, बाहर से पिसा पिसा लाएंगे मंगल सिंह जी तो आपको फायदा नहीं होगा, तो मैं जिम्मेदार नहीं। इसका 2-3 ग्राम सुबह और शाम खाइए, आप देखेंगे कि रोज़ाना आपकी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी, और ये जो 600-700 ग्राम मटेरियल बताया ये आपको शायद 10-12 रुपए रोज का पड़ेगा, और ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं राहुल, मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है राहुल आपका। नमस्कार अकीम साहब जी। नमस्कार, आदाब साहब। अकीम साहब मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरी हाइट तो अच्छी है 6 फीट, लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, काफी कुछ करके देख लिया खाना पीना, लेकिन अच्छा खाना भी करके देख लिया लेकिन वजन बढ़ता ही नहीं, तो उसके लिए कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। एज कितनी है? एज है 28। क्या एक्सरसाइज करते हैं क्या आप? जी एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा है कि आपने कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं लिया, नहीं तो सेहत तो बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन आप बीमारियों में गिर जाते। अच्छा देखिए, मैं भी बहुत दुबला पतला था, ऐसा 16-17 साल का था, तो मुझे किसी ने बताया कि एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज करने लगा तो और दुबला होने लगा। उठक बैठक लगाता था और डिप लगाता था, वो जो ऐसे करके लगाते ना, और उठक बैठक यानी उठो और बैठो। फिर क्योंकि सेहत तो अच्छी होनी चाहिए थी और कमज़ोर सा लगने लगा, तो मेरी माँ बड़ी अच्छी हकीम भी थी, उन्होंने मुझे चने मंगा के दिए, और वो एक पुट्ठी चने एक गिलास पानी में डाल देती थी रात को, सुबह को मैं किशमिश के साथ उन्हें खाता था और एक्सरसाइज करता था। मेरी एक महीने में सेहत ऐसी हो गई कि लोग मुझे टोकने लगे, ऐसे कौदे हो गए, और मैं बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि बालिग हो गया, जैसे लोग टोकते थे। क्या करता था मैं? छुपा लेता था। लंगोट बांध लें अगर एक्सरसाइज करें, लंगोट नहीं बांधे तो कोई बीमारी हो जाएगी। लंगोट आप समझते हैं ना, टाइट स्किन एक कपड़ा होता है जिसे लंगोट कहते हैं, आजकल स्किन टाइट नेकर भी आते हैं, और ये घरेलू नुस्खा है, और दवाएं तो बहुत हैं, आप अखरोट प्राश माजून अखरोट प्राश लेंगे तो भी यही फायदे होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करें, खूब एक्सरसाइज करिए, चने खाइए, किशमिश खाइए, और सेहतमंद रहिए जी। नेक्स्ट कॉलर हैं सुहाना गुड़गांव से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैम मेरे पापा की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पापा कॉल करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं बात कर लूँ आपसे। जी बताइए। जी मेरे पापा को ना किडनी की प्रॉब्लम है,
जी, उनकी एक किडनी जो है 5 सेंटीमीटर की है लेफ्ट वाली, और राइट वाली 15 सेंटीमीटर की है। जी ठीक है जी, तो मैं ये पूछना चाहती थी ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हुई है। अच्छा, उनको क्रिएटिनिन ठीक है, उनकी किडनी में कोई गंदगी या डायलिसिस की नौबत तो नहीं? नहीं, इसका नुस्खा बता दीजिए सर कोई। ठीक है, अच्छा देखिए, ये कुदरती है इनका, छोटी बड़ी किसी किसी को ऐसा होता है। मैंने ऐसे ही मरीज देखा कि इसके 4 किडनियाँ थी, एक बम्बई में ऐसा भी मरीज देखा। तो अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो ये कोई फिक्र करने की बात नहीं। अगर क्रिएटिनिन उनका बढ़ता है तो बहुत फिक्र की बात है। तो उनके लिए कोई नुस्खा नहीं, बल्कि अच्छी ग़िज़ा खिलाया करिए, हज़म होने वाली ग़िज़ा खिलाया करिए। क्योंकि खाना हज़म होता है, ज़ीरा और लहसुन और अदरक, ये खाना हज़म करने की चीज़ें हैं। इतनी सारी आप अदरक डालें, इतनी सारी मम्मी को बोलें मेरी तरफ से, मेरे सलाम भी बोलें, कहें इतनी सारी अदरक और इतना सारा लहसुन खाने में डालें, और ज़ीरा भी जितना डालते हैं उससे 4 गुना डालें, और इससे उनका पेट और किडनी बहुत अच्छी रहेगी, हज़म बहुत अच्छा रहेगा, जो खुराक है उनके जिस्म को लगेगी और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दवा लेने की ज़रूरत अभी नहीं है जी। नेक्स्ट कॉलर है समीर राणा, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका समीर। हकीम साहब, समीर बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, हकीम साहब से बात करा दो। जी जी जी, बताइए, बात कर रहा हूँ मैं हकीम साहब, काफी टाइम से बात लगाने की कोर कर रहा था मैं, अभी बात हो रही है, हो रही है बात। जी जी जी, आप थोड़ा कम सुनते हैं, मुझे पता चल गया, जो लोग कम सुनते हैं वो बहुत जोर से बोलते हैं। आप बोलिए, अपना पूरी बात कीजिए, मैं खामोश रहूंगा। आपको नमन करता हूँ, नमस्कार जी। मेरा भी आदाब आपके पूरे परिवार को और आपको। हकीम साहब, मेरे को है ना गेहूं से एलर्जी है। अच्छा हाँ, क्या होता है? स्किन में ना ऐसे वो हो जाता है, पपड़ी पपड़ी सी और सफेद सफेद हो जाता है और पेट खराब हो जाता है। मैं डॉक्टर से पूछा था, वो पैसे का इलाज बता रहा था, बहुत पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, एज बता दीजिए। 32 साल। जो भी गेहूं आप खाया करें ना, तो एक काम किया करिए, देखिए अलसी पिसवा के रख लीजिए, थोड़ी सी भूनकर, अलसी भूनकर पिसवा के रख लीजिए। जब भी आपके यहाँ आटा गूंधे तो उसमें 10% अलसी का पाउडर उसमें मिलाया करिए, और वो रोटी आप खाया करिए। और जो आप सालन खाते हैं यानी सब्जी खाते हैं, जब आपके सामने आए तो आधी चुटकी, देखिए इतनी आधी चुटकी, एक चुटकी है ये पूरी नहीं, आधी ऐसे करके आधी चुटकी खाने का सोडा अपनी सब्जी में मिलाकर खाया करिए, आपको गेहूं नुकसान नहीं करेगा, ये मैं तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, समय तो यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन शुगर के पेशेंट के लिए मैं आपसे यूनानी दवा जानना चाहूँगी। जो लोग घरेलू नुस्खे नहीं अपना सकते हैं, तो वो शुगर के जो पेशेंट हैं वो यूनानी दवा कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, किन से उन्हें फ़ायदा हो सकता है? देखिए दवाएं तो शुगर में लोग इतना दे रहे हैं, कोई करेला खा रहा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई नीम खा रहा है, जो भी कड़वी दवाएं खाते हैं जी। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक कामयाब दवा देखी, तो वो है जैतून का सिरका जी। 2-3 चम्मच एक वक्त में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 2 वक्त भी ले सकते हैं, पानी में मिला के लेना। ये तेज़ सिरका होता है, जैतून का सिरका मुश्किल से मिलता है, अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम भी कोशिश करेंगे, मिलता मुश्किल से लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। डायबिटीज़ वाले 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम ले सकते हैं, इससे वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके जो नुकसान को रोक लेता, जो एलोपैथिक दवाएं खाते हैं आप, वो भी खानी पड़ेंगी, लेकिन ये उन दवाओं को आपके शरीर को, किडनी को, दिल को, आँखों को नुकसान नहीं होने देगा, और खून वगैरह खूब अच्छा रहता है, दिल का कोई रोग नहीं होता, तो ये ले सकते हैं आप। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नाम बताइए अपना। खुशी चौधरी जी। जी चौधरी साहब, फरमाइए क्या सेवा की जाए।
खुशी चौधरी के सर में मतलब दाद हो रखा है, दाद दाद हो गया। हाँ अब कौन क्यों भी, उम्र बताइए। उम्र है उसकी 9 साल। ओह बहुत छोटी उम्र है और दाद भी हो गया। वैसे तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर को दिखा लेते, छोटा बच्चा है, लेकिन ये जो सोडा है खाने का, एक चुटकी सोडा जितना एक चुटकी में आ जाए और 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी उसको सोडे को मिला दीजिए और रोज़ाना ये पानी उसके जो दाद जहाँ हुआ है सर में वहाँ लगा के छोड़ दें, सूखने दें। दिन में 2-3 बार लगा दें और दिन में तो ये लगाएं और रात में इस पर नारियल का तेल लगाया करें 1-2 बार, तो बहुत आसानी से इसका ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। एक समय था जब किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, सब हष्ट पुष्ट रहते थे, लेकिन अब जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को एक बीमारी नहीं ना जाने कितनी बीमारी जकड़ लेती हैं, क्या कहेंगे? हाँ शैलजा, देखिए पहले प्रदूषण नहीं था जी, और प्रदूषण हर शहर में हो गया, छोटे शहरों में भी हो गया जी। इससे भी फेफड़ा हमारा जो लीवर है वो मुतासिर होने लगा। ऑक्सीजन, सांस तो हमें असली चाहिए ना, और सांस नकली जा रही है। और दूसरा, पहले बेईमानी नहीं थी, अब हम जो खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेईमानी है जी। या चाहे दूध ले लो, चाहे कोई और चीज खरीद के लाओ, ईमान का भरोसा नहीं रहा, तो हमें ये तकलीफें आनी है। अब हर शख्स तो ये नहीं कर सकता कि भैंस पाल ले असली दूध लेने के लिए, हर चीज की तो, हर चीज का तो पेड़ अपने घर में लगाएगा नहीं जी। तो किसान भी कुछ ऐसे हो गए कि वो ऐसी केमिकल इस्तेमाल करने लगे, तो हर तरफ से इंसान को बहुत खतरा हो गया जी। और हर इंसान अपना सब कुछ नहीं लगा सकता, यानी हर दाल बोएगा तो हर चीज अपने घर में पैदा करेगा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है जी, जी। शहर वालों के लिए तो मुमकिन नहीं, गांव वाले तो कर भी सकते हैं। तो नियत भी ठीक होना जरूरी, असली चीजें भी मिलना जरूरी, असली चीजों की शिनाख्त भी जरूरी, तब हम फायदे में आ सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, जल्दी से अपना प्रश्न कीजिए और अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम शंकर लाल है जी। शंकर लाल जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? अरे मैं यूं कह रहा हूँ, मैंने भी की थी आपका। हाँ तो मेरे क्या है, दोनों बच्चों से थोड़ी प्रॉब्लम है, पिछले महीने का उसका कोई इलाज है क्या? थोड़ा सा तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो, बोलिए बोलिए। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, बराबर। दोनों बच्चे का बचपन में अच्छा था, चलता बोलता सब था, स्कूल सब जाते थे। अब बाद में इनको क्या 5-6 साल के बाद धीरे धीरे इनका चलना बोलना सब बंद हो गया। अच्छा, तो बोला कोई इलाज ही नहीं इसका। मैं समझ गया, उम्र बताइए उनकी। हाँ उम्र बताइए बच्चों की। उम्र है इसकी, एक की उम्र है 12 साल और एक की है 10 साल। हाँ देखिए, इनको ऑटोइम्यून डिजीज कोई ऐसी है जिसमें हमारे आजा कमजोर होते चले जाते हैं और ये दुनिया की खतरनाक बीमारी है। फिर भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमारे डॉक्टर को पूरी तफसील दें, उनसे व्हाट्सएप लेके पूरी उनकी रिपोर्ट हमें साझा करें, तो शायद हम कुछ आपकी मदद कर पाए। और इस हम नुस्खे से उनको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। आप उनके बाप हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन जो इलाज का तरीका है वो यह है कि आप उनकी रिपोर्ट साझा कर लें, ताकि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। हकीम साहब, आज भी आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत सारे अच्छे अच्छे नुस्खे आपने दर्शकों को भी बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग कार्यक्रम के बाद उनपे संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।